उत्सव नगरी कोसीकला को स्वच्छ और सुंदर बनाने के दृष्टिगत सफाई कर्मचारियों को ढकेलें वितरित की गईं, जिससे कि वह छोटी छोटी और सकरी गलियों से भी कूड़ा ला सकें। इस दौरान नगरपालिका परिषद कोसीकला के अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल, अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह, लेखाकार योगेंद्र शर्मा एवं सभी सभासद मौजूद रहे। नगरपालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने इस संदर्भ में जानकारी दी। आज नगरपालिका परिषद कोसीकला जिस समय नए बोर्ड का गठन हुआ, मैं समझता हूँ कि शायद एक दर्जन ढकेल भी आईडी कला में नहीं थी, जिससे सफाई में दिक्कत हो रही। तो नए बोर्ड ने कुछ ढकेलों को मरम्मत कराया और आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि नगरपालिका कर्मचारियों को नगरपालिका की तरफ से अपना ये हत्ता कूड़ा, यानी कि गली गली से कूड़ा उठाने के लिए ढकेलें प्रदान की जा रही हैं। प्रथम चरण में हम लोग संविदा और परमानेंट कर्मचारियों को आज देने का कार्य कर रहे हैं। 100 ढकेलें नगर पालिका ने नई बनवाई हैं और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि अच्छी मजबूती के साथ साथ ढकेलों को लेमिनेटेड कराया गया, ताकि वो बरसाती मौसम में या पानी आने से वो गले नहीं। और इसी भावना के साथ मैं समझता हूँ इससे और बेहतर सफाई व्यवस्था में कार्य होगा, क्योंकि इन ढकेलों के आने से निश्चित तौर से उन गलियों से कूड़ा तालाब घर तक पहुंचाने का कार्य होगा, जिन गलियों से कूड़ा उठाने में दिक्कत हो रही थी सफाई कर्मचारियों को। आज सभी सफाई कर्मचारियों को ढकेलें बांटी जा रही है। इस अवसर पर मेरा पूरा बोर्ड, सफाई नायक, सफाई कर्मचारी और नगर पालिका परिषद के सम्मानित अधिशासी अधिकारी श्री निहाल सिंह जी, लेखाकार श्री योगेंद्र रावत जी आदि सभी अधिकारी और कर्मचारी और हमारे SI सफाई और स्वास्थ्य अपने निरीक्षक जो है अपने राजीव यादव जी, सभी लोग उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं सफाई कर्मचारियों से कि वो और बेहतर से बेहतर सफाई कार्य को अंजाम देने के लिए कोसीकला की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत से और लगन के साथ कार्य करें।